हेलो, मैं स्वाति काले हूँ। मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ और मैं वाई और पंचगनी से मैं बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे हमारा स्टूडियो है और यहाँ पे जो भी आप फूलों के चित्र देख रहे हैं वो सारे फूल मेरे आर्ट स्टूडियो के नज़दीक ही हम उसमें गार्डन में लगाते हैं और मैं वो पेंट करती हूँ। ये प्रदर्शनी जो है हमारी वो नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी वर्ली के यहाँ हमने लगाई हुई है और मेरी पेंटिंग्स जो है वो अभी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस काफ़ी लोगों के पास हम कलेक्ट हुई है और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग आते हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये मेरी पेंटिंग्स जो है वो मैंने ऑयल ऑन कैनवस मीडियम है मेरा बनाने का और मैं नाइफ पेंटिंग करती हूँ। ये सारे फूल जो है मैंने नाइफ में बनाए हैं, उसके जो स्ट्रोक्स है उससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी जो है वो मेरी पेंटिंग्स में डिपिक्ट करती है। नमस्ते, मैं सुनील काले, मैं पंचगनी और महाबलेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ। सतारा डिस्ट्रिक्ट में पंचगनी और महाबलेश्वर फेमस हिल स्टेशन्स है और पिछले 35 ईयर्स से मैं वाटर कलर पेंटिंग्स कर रहा हूँ और उसमें पूरे पंचगनी के जितने भी टेबल लैंड, ऑर्थरसिट पॉइंट, केटस पॉइंट, जैसे ये ऑर्थरसिट पॉइंट का पेंटिंग्स है पीछे के साइड में, सब जगह के जैसे कृष्णा नदी का वाई के गणपति घाट या पूरे वहाँ के प्राकृतिक दृश्य जो है जितने भी है मैं वहाँ चित्रित करता हूँ। कभी कभी ऑन द स्पॉट करता था पहले, अभी मुझे ऑन द स्पॉट करने की ज़रूरत नहीं लगती है। हमेशा इतने दिनों के बाद में 4 से 5 हज़ार पेंटिंग्स करने के बाद में अभी ऐसा लगता है कि ये मेरे पूरे दिमाग में बैठे हैं। तो विदाउट पेंसिल ड्राइंग सब ये पूरे पेंटिंग्स डायरेक्ट वाटर कलर के थ्रू और बड़ी साइज़ में कर देता हूँ और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं ये पेंटिंग्स। अभी ये जो प्रदर्शनी लग रही है उसके टाइटल है वैलीज एंड फ्लावर्स। जितने भी पंचगनी के वैलीज जो पेंटिंग्स है, वैलीज़ के मैं वाटर कलर करता हूँ और मेरी मिसेस स्वाति काले जो है वो जितने भी फ्लावर्स जो है पंचगनी, महाबलेश्वर और वाई के नज़दीक वो फ्लावर की पेंटिंग्स करती है। ये प्रदर्शनी जो है अभी लगातार 6 से 12 फरवरी तक चलती रहेगी। Dedicated to only and only art and culture. But you want more updates like this, then all you need to do is subscribe to Art TV Prime channel right away, right today. And do not forget to get the notification. And to get the notification, you need to click on the bell icon. Thank you.